कश्मीर के बादी गांव में रविवार की सुबह लोगों की नींद मस्जिद की अजान से नहीं बल्कि गोलियों की तड़तड़ाहट से खुली और करीब 5 घंटे बाद जब ये शोर थमा तब तक 15 लाख का इनामी मिलिटेंट सद्दाम पैडर अपने 4 साथियों के साथ मारा जा चुका था। शोपिया के हैब गांव का रहने वाला सद्दाम पढ़ाई बीच में ही छोड़ पत्थरबाजी में लिप्त हो गया और आतंकियों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर भी काम करने लगा। साल 2015 आते आते उसने पहले लश्कर और बाद में हिजबुल ज्वाइन कर लिया और साउथ कश्मीर में विशेषकर शोपिया के पुलिस और मिलिट्री पर्सनल्स का मर्डर और उनके परिवार वालों को धमकाने और पीटने की कई वारदातों को अंजाम दिया। 2015 में मारे गए हिजबुल कमांडर बुरहान वानी समेत जिन 11 आतंकियों की फोटो ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई थी उनमें सद्दाम पैडर ही आखिरी था जो जिंदा बचा था, सिर्फ तारिक पंडित को छोड़कर। दरअसल तारिक ने फौज के खौफ से पहले ही सरेंडर कर दिया था। वहीं सद्दाम ने जिंदगी के आखिरी 2 सालों में 2 दर्जन से ज्यादा आतंकी वारदातों को अंजाम दिया लेकिन आखिर में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने सूद समेत हिसाब पूरा कर दिया। और मेरी इन मिलिटेंट्स को एक फ्री की एडवाइस है, अगर तुम्हें लगता है कि 150 लड़के लेकर तुम दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी को हरा दोगे तो इसे कॉन्फिडेंस नहीं, चूतियापा कहते हैं।